वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो हम यहाँ पर आज आपके सामने पेपर डिस्कस करेंगे ऑफ्थलमिक असिस्टेंट फर्स्ट ईयर का ये आपका जो एग्जामिनेशन सेशन था अप्रैल मई 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू प्रीविशियस ईर क्वेश्चन पेपर है आपका सॉरी 2020 जो है आपका अप्रैल मई सेशन था इसका देन ये जो है आपका पेपर ए है पेपर बी की वीडियो भी आपको हमारी प्ले में मिल जाएगी ठीक है और असिस्टेंट करके आप प्ले में जाएँ आपको अपने कोर्स के रिलेटेड जितने भी पी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वो सभी मिल जाएंगी टाइमिंग आपके पास रहती है इसमें तीन घंटे की ठीक है देन आपके पास मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं हंड्रेड मार्क्स और जो है आपका 2020 के पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पर टेन क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे और ईच क्वेश्चन जो है वो फाइव मार्क्स कैरी करता था और आपको शॉर्ट आंसर टाइप ही लिखने थे इस पेपर से एक आपको मैन ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको किस टॉपिक से किस चैप्टर से कौन से टॉपिक मैन इंपॉर्टेंट है आपको किस में ज़्यादा फोकस करना है ठीक है वेटेज ज़्यादा किसकी रहती है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप साथ में नोटबुक और पेन रख लीजिए नोट डाउन करते रहें या फिर वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीन ले लीजिएगा आपके लिए ईजी रहेगा देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया था माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ठीक है देन क्वेश्चन नंबर टू आपसे पूछा गया था एनाटमी ऑफ टेस्टिस ओके देन क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया था बेल्टाल से क्या होता है ओके देन क्वेश्चन नंबर फोर जेक्टिव के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है देन क्वेश्चन नंबर फाइव सेल एंड इट्स कम्पोनेंट विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देनी थी आपको देन क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देन क्वेश्चन नंबर सेवन माइटोसिस क्या होता है दैन क्वेश्चन नंबर एट डिफाइन एक्सरेड इट्स प्रोडक्शन दैन क्वेश्चन नंबर नाइन आपसे पूछा गया था अनोटमी ऑफ आई विद डायग्रामेटिक रिप्रजेंटेशन दैन क्वेश्चन नंबर टेन विजुअल पाथवे एक्सप्लेन विद डायग्राम, देन क्वेश्चन नंबर 11, सर्कुलेशन ऑफ आई विद डायग्राम, देन क्वेश्चन नंबर 12, पपुलरी रिफ्लेक्सेस क्या होती हैं आपकी देन क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया था विजुअल एक्सिटी एंड टेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 14, यूनिकॉलर एंड बाय लोकुलर विजन क्या होती है आपको बताना था देन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन रिफ्लेक्शन के बारे में बताना था क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन गुलवानोमीटर ठीक है देन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन हारमोनिक अमीशन क्या होता है देन क्वेश्चन नंबर एटीन हाइबर देन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन काइनेटिक एनर्जी देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लॉ ऑफ मास एक्शन ठीक है इन सब के बारे में आपको शॉर्ट आंसर टाइप लिखने थे फाइव मार्क्स का आपका क्वेश्चन था ठीक है आ, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे लें। लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलते रहेंगे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी होंगे ओके थैंक यू सो मच